दोस्तों त्यागजीतेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक स्विफ्ट कोड क्या होता है और आपको बैंक स्विफ्ट कोड कैसे प्राप्त करना है। दोस्तों बैंक स्विफ्ट कोड बहुत मेन होता है किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए। मेन क्यों होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा और आपके एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाएंगे, तो आपके घर एक गूगल पिन आएगा। जब आप उस गूगल पिन को अपने चैनल में डालेंगे और अपने चैनल को वेरीफाई कर लेंगे, तो उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो बैंक अकाउंट के ऑप्शन के साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलता है स्विफ्ट कोड डालने का। यानी अगर आप स्विफ्ट कोड नहीं डालेंगे तो आपका पेमेंट रुक जाएगा, आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो दोस्तों स्विफ्ट कोड लेने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी फेस होती है, क्योंकि जो सिटीज होती है उनमें तो सब बैंकों का स्विफ्ट कोड होता है, बट जो ग्रामीण शाखाएं होती है उनमें बैंकों का स्विफ्ट कोड बहुत मुश्किल होती है लेने में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्विफ्ट कोड कैसे लेना है। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, गाँव से होते हैं, और वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो इंटरनेट पे बहुत बार ग्रामीण शाखा का स्विफ्ट कोड नहीं आता। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप अपनी बैंक में जाइए जहां आपका खाता है, और बैंक के मैनेजर से आप सीधा कॉन्टैक्ट करिए और उनको बताइए कि ऐसे ऐसे बात है, हमारा गूगल से पैसा आएगा। क्योंकि बिना स्विफ्ट कोड के इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होती है वो नहीं होती। तो आप मैनेजर से मिलिए, उनको जाके अपनी समस्या बताइए कि ऐसे ऐसे बात है और हमारा गूगल से पैसा आएगा और हमें अपना स्विफ्ट कोड दे दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जो ग्रामीण शाखा होती है ना, बहुत बार वो किसी शहर की शाखा से अटैच होती है, तो जो शहर की शाखा का स्विफ्ट कोड होता है वही होता है आपकी ग्रामीण शाखा का। बट ये आपको बैंक का मैनेजर ही बताएगा कि आपके किस सिटी की ब्रांच से कनेक्टेड है आपका गांव का बैंक। तो आप बेफिक्र बैंक में जाइए, मैनेजर से मिलिए और वो ही आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड कराएगा। एक बात पक्की है कि हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है, बिना स्विफ्ट कोड के बैंक ब्रांच नहीं चल सकती। तो आप मैनेजर को कहिए, वो आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड कराएगा। और अगर आप सिटी से हैं तो आपको बहुत आसानी से स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। आप उस दशा में मैनेजर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर इंटरनेट पे आपको मिल जाए अपनी ब्रांच का स्विफ्ट कोड तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपको अपनी ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं मिलता तो आप सीधे मैनेजर से मिलिए, वो आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड कराएगा। तो दोस्तों बस यही आपको जानकारी देनी थी इस वीडियो में, बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।